मानव को जीवन में अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं, जिन्हें शारीरिक, मानसिक और भावात्मक इन तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है। शारीरिक कार्य शेष दोनों प्रकार के कार्यों की बुनियाद हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात सभी कार्यों का आधारभूत माध्यम यह मानव शरीर है। लेकिन आज सभ्यता की घुड़दौड़ में मानव शारीरिक और मानसिक रूप से निर्बल होता चला जा रहा है और अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित होकर शारीरिक और मानसिक कष्ट पा रहा है। यदि हम शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन आधा घंटा निकाल सकें तो यह सौदा महंगा ना होगा। योग ही एक ऐसा माध्यम है जिसका पालन करने और लगातार योगाभ्यास करने से सभी प्रकार के रोग शरीर से दूर रहते हैं। शरीर में नवीन शक्ति का संचार होता है तथा मन प्रसन्न होता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने शरीर व मन की शुद्धि के लिए योग क्रिया का विकास किया तथा इसे स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक बना दिया। योग हमारे ऋषि मुनियों द्वारा खोजी गई सुखी जीवन जीने की एक ऐसी कला है जिसके द्वारा मनुष्य अंतिम क्षण तक शरीर में अद्भुत शक्ति, इंद्रियों में बिजली जैसी स्फूर्ति, मन में असीम आनंद और परम प्रेम प्राप्त कर अपने कर्तव्यों को पूर्ण क्षमता के साथ संपन्न करने में समर्थ होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने का एकमात्र साधन यह मानव शरीर है। जब तक यह शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक इन जीवन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। वही मनुष्य पूर्ण स्वस्थ है जिसके शरीर में वात, पित्त तथा कफ सम हो, जिसमें मंदाग्नि, तीक्ष्णाग्नि और विषमाग्नि सम हो। इन स्थितियों को प्राप्त करने के लिए योगी महर्षि घेरण्य ने 6 शरीर शोधन साधनों का सूत्रपात किया, जिन्हें षटकर्म के नाम से जाना जाता है। ये हैं बस्ती, नेति, धौती, नौली, कपाल भांति और त्राटक। इन क्रियाओं के अभ्यास से आहार नाल, स्वर यंत्र, श्वास नाल और मस्तिष्क की भली भांति सफाई हो जाती है तथा शरीर दोष मुक्त हो जाता है। सिर शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें मस्तिष्क, आंख, कान, नाक, दांत, जीभ आदि छोटे छोटे अंग आते हैं। इन अंगों में जब किसी कारण से मल व विकार उत्पन्न हो जाता है तो रोगों का सूत्रपात होता है। इन अंगों से गंदगी हटाने के लिए नेति शोधन क्रिया की जाती है। हम यह भी जानते हैं कि जीवन का आधार ऑक्सीजन है, जिसे नासिका द्वारा फेफड़ों तक ले जाते हैं। वहां से यह रक्त के साथ मिलकर शरीर के सभी कोशिकाओं में प्रवेश करती है तथा ऊर्जा उत्पन्न करती है। यदि पर्याप्त मात्रा में इन कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो वे अस्वस्थ हो जाते हैं, जिससे शरीर में रोग का आरंभ हो जाता है। अतः इन नासिका छिद्रों का साफ रहना आवश्यक है। साथ ही साथ इन नासिका छिद्रों में रोगाणु रोकने की क्षमता होती है यदि वे साफ रहते हैं। जल नेति के लिए टोटीदार लोटे का प्रयोग किया जाता है। इसमें गुनगुना पानी भरकर उसमें एक चुटकी नमक मिलाते हैं। फिर ये देखते हैं कि नासिका के कौन से छिद्र से श्वास सरलता पूर्वक आ रही है। अब सीधे खड़े हो जाते हैं तथा कमर से थोड़ा झुककर गर्दन को मोड़ते हैं तथा ऊपरी नासिका से लोटे की टोंटी को लगाते हैं। लोटे को पैंदी से थोड़ा उठाते हैं, जिससे जल दूसरे छिद्र से बाहर निकलने लगता है। इसी प्रकार दूसरे छिद्र से टोंटी लगाकर नेति करते हैं। जल नेति से स्नायुविक थकान कम होती है, जुकाम नहीं होता, अनिद्रा का नाश होता है, सिर दर्द में लाभ होता है।
रबर नेति करने के लिए प्रायः कैथेडर नंबर 4 का प्रयोग करते हैं। पतले वाले सिरे को नासिका के दाएं छिद्र में डालकर धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाते हैं। बढ़ाते बढ़ाते जब ये सिरा गले तक पहुंच जाता है तो दाएं हाथ की तर्जनी व मध्यमा उंगली से रबर नेति को पकड़ लेते हैं। फिर कम से कम 6 बार आगे पीछे रबर चलाते हैं। अब नुकीले सिरे को मुंह से धीरे धीरे बाहर निकाल लेते हैं। ये क्रिया बाएं तरफ से भी करते हैं। अमाशय को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमारे भारतीय योग मनीषियों ने धौती क्रिया का विकास किया। इस क्रिया से अमाशय से चिपका हुआ मल व विकार बाहर निकल आता है, जिससे ग्रंथियां सामान्य द्रव स्त्रावित करती हैं जो भोजन के पचने के लिए आवश्यक होता है। यदि यह मल व विकार अमाशय से अधिक दिनों तक चिपका रहे तो इससे अजीर्ण, पीलिया, अपच आदि रोग हो जाते हैं। इनको दूर करने के लिए तथा पाचन क्रिया को सबल बनाने के लिए धौती क्रिया की जाती है। धौती क्रिया दो प्रकार से की जाती है, जल धौती तथा वस्त्र धौती। जल धौती को कुंजल क्रिया एवं गजकरणी क्रिया भी कहते हैं। जल धौती सरल तथा सहज क्रिया है, जिसे आसानी से सीखा जा सकता है। इस क्रिया को सामान्य अवस्था में सप्ताह में एक बार अवश्य करना चाहिए। कुंजल करने के लिए बड़े जग में गुनगुना पानी भर लेते हैं, एक चम्मच नमक मिलाते हैं, फिर जमीन पर कागासन यानी उकड़ू बैठकर जल्दी जल्दी पानी पीते हैं। पानी तब तक पीते रहते हैं जब तक उल्टी का अनुभव ना होने लगे। फिर खड़े होकर कमर से 90 अंश का कोण बनाकर आगे की ओर झुकते हैं। बाएं हाथ की उंगलियों को जोड़कर चोंच का आकार बनाकर नाभि पर दबाव डालते हैं। दाएं हाथ की उंगलियों को मुंह में डालकर कौवे को धीरे धीरे सहलाते हैं, जिससे वमन शुरू हो जाता है तथा पेट का सारा कफ और मल बाहर निकल जाता है। ये क्रिया तब तक करते हैं जब तक पूरा पानी निकल नहीं जाता। कुंजल के बाद शवासन करना आवश्यक होता है, जिससे पेट के अंगों में हलचल कम हो जाए तथा शरीर में रक्त संचार सामान्य हो जाए। वस्त्र धौती करने के लिए कागासन यानी उकड़ू बैठ जाते हैं। वस्त्र धौती का कपड़ा, जो कि एक पात्र में पानी में भीगा हुआ 7 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 7 मीटर लंबा मलमल का बना होता है, इसका एक सिरा उठाकर किनारों को चौड़ा करके कौवे के पास रखते हैं तथा आसानी से कपड़े को निगलना शुरू करते हैं। बीच बीच में दिक्कत होने पर पानी घूट घूट कर पिया करते हैं। धीरे धीरे सारे कपड़े को निगल जाते हैं। अब खड़े हो जाते हैं तथा 6 बार दाहिने, 6 बार बाएं नौली चलाते हैं।
पुनः कागासन में बैठकर कपड़े के सिरे को दोनों हाथों से पकड़कर धीरे धीरे खींच लेते हैं। इससे कफ, दमा, सिरदर्द, बुखार, जिगर के रोग आदि दूर हो जाते हैं। नौली अपनी तरह की एक असाधारण और निराली प्रक्रिया है जिसके द्वारा आंतों में चिपका हुआ मल उखड़ता है, कब्ज और मंदाग्नि दूर होती है तथा बढ़ा हुआ पेट सामान्य हो जाता है। पेट में गोला, आंतों की कमजोरी और गुर्दे की समस्या ठीक हो जाती है। इस क्रिया द्वारा समस्त नाड़ी संस्थान और पाचन संस्थान प्रभावित होता है। उदरीय अंगों की मालिश हो जाती है जिससे आहार नाल की ग्रंथियों पर प्रभाव पड़ता है और वे सामान्य स्त्राव करती हैं। वात, पित्त तथा कफ के विकार दूर होते हैं, पेट हल्का रहता है और भूख बढ़ती है। यह क्रिया व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से स्वस्थ और सबल बनाती है। नौली क्रिया करने के लिए सीधे खड़े हो जाते हैं, घुटनों को आगे झुकाते हैं तथा घुटनों पर हाथ रखकर संपूर्ण श्वास को बाहर निकाल देते हैं। उड्डयन बंध लगाते हैं, फिर सबसे पहले मध्य नौली, फिर वाम नौली, इसके बाद दक्षिण नौली निकालते हैं। अब श्वास भरकर सीधे खड़े हो जाते हैं। अब पुनः पहले की अवस्था में आते हैं तथा वाम व दक्षिण नौली को पहले बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं घुमाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत के अनुसार शरीर के समस्त उदर रोगों का मूल कारण कब्ज है। कब्ज यानी आंतों में मल का जमाव। इसीलिए शरीर शुद्धि प्रक्रिया में बस्ती क्रिया का विशेष महत्व है। इस क्रिया के द्वारा बड़ी आंत व आमाशय की सफाई की जाती है। चरक संहिता में लिखा है कि बस्ती क्रिया के द्वारा उदर, वायुगोला, वात, कफ, पित्त तथा तिल्ली द्वारा पैदा होने वाले संपूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं। यह क्रिया आयु, बल, बुद्धि तथा स्वास्थ्य को बढ़ाती है और पूर्ण स्वास्थ्य का आधार है। एनीमा पात्र से बस्ती क्रिया के लिए अलग एकांत स्थान की आवश्यकता होती है। बस्ती क्रिया करने के लिए ये ध्यान रखें कि पानी में साबुन का छाग भूल कर भी ना मिलाएं, बल्कि यदि एक बड़े नींबू का रस छान कर मिला लें तो आंतों की सफाई जल्दी तथा अच्छी होगी। इस क्रिया को करने के लिए एनीमा पात्र को जमीन से 5 फीट की ऊंचाई पर लगा देते हैं, उसमें तैयार पानी भर देते हैं, कैथेटर की टोंटी खोल देते हैं जिससे कैथेटर में भरी वायु निकल जाए तथा जल वहां तक पहुंच जाए। अब एनीमा देने वाले व्यक्ति को पेट के बल तिपाई पर लिटा देते हैं। अब व्यक्ति के दोनों पैरों को घुटने से मुड़वाते हैं तथा कमर के हिस्से को अधिकतम ऊपर उठवाते हैं। कैथेटर में तेल लगाते हैं। अब उसके कमर के वस्त्र को हटा देते हैं तथा कैथेटर को गुदा के अंदर लगभग 3 इंच प्रविष्ट कराते हैं। अब टोटी खोल देते हैं जिससे पानी भरने लगता है तथा व्यक्ति को लंबी और गहरी श्वास लेने और पेट को ढीला करने को कहते हैं। जब लगभग 1 लीटर पानी चला जाता है तब कैथेटर निकाल लेते हैं तथा व्यक्ति को नाभि के चारों तरफ मालिश करते हुए थोड़ा टहलने को कहते हैं और हाजत होने पर शौचालय जाने को कहते हैं। स्वतः बस्ती क्रिया
शौचालय में बैठकर अकेले की जा सकती है। इसे करने के लिए स्वतः भस्त्री क्रिया यंत्र के चौड़े सिरे को गुनगुने अथवा सामान्य पानी से भरे जग में डाल देते हैं। बीच के गुब्बारे वाले भाग को दबाते हैं, जिससे जग का पानी अगले सिरे पर लगे कैथेटर से बाहर निकलने लगता है। अब कैथेटर के अगले सिरे पर तेल लगाकर इसे धीरे से गुदा के अंदर 2-3 इंच तक प्रविष्ट करा देते हैं। बीच के भाग को पुनः दबाते हैं, जिससे जग का पानी आंत में जाने लगता है तथा शौच का अनुभव होने लगता है। ऐसा होने पर यंत्र को बाहर निकाल लेते हैं, जिससे मलाशय का मल पानी के साथ बाहर निकल आता है। भस्त्री क्रिया से ज्वर, विकार, दस्त, गैस आदि में तुरंत लाभ होता है। भस्त्री क्रिया के 1 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर गुनगुने पानी में आधे नींबू के रस के साथ 2 चम्मच शहद मिलाकर पीना चाहिए, या फलाहारी नमक के साथ 1 गिलास पानी पीना चाहिए। भस्त्री क्रिया से शरीर में पोटेशियम की कमी हो जाती है, जिसे इसके द्वारा पूरा किया जा सकता है। स्वस्थ व्यक्ति यदि सप्ताह में 1 बार आंत व मलाशय की सफाई भस्त्री क्रिया के द्वारा करे तो वह अस्वस्थ नहीं होगा। शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी शारीरिक और मानसिक क्रियाएं संपादित करता है। अतः इसका स्वस्थ और सामान्य रहना परम आवश्यक है। कपालभाति क्रिया करने से मस्तिष्क के विद्यमान दोष बाहर निकल जाते हैं, पूर्ण ऑक्सीजन मिलती है और शुद्ध रक्त का संचार होता है। कपालभाति क्रिया करने से विचारधाराएं मलिनता को त्याग कर स्वच्छता की ओर बहने लगती हैं, जिससे मनुष्य के मस्तिष्क का विकास होता है। कपालभाति क्रिया करने के लिए पद्मासन में बैठ जाते हैं, नमो मुद्रा लगाते हैं, मेरुदंड को सीधा करते हैं तथा दृष्टि सामने स्थित रखते हुए बंद कर लेते हैं। अब तेजी के साथ श्वास बाहर की ओर झटके से निकालते हैं। ध्यान रहे कि इस क्रिया में अंतःश्वसन स्वतः होता है तथा उच्छ्वसन चेस्ट से होता है, तथा श्वसन करने में उदर आगे पीछे होता है, यानी शक्ति उदर से लगाते हैं। वक्षस्थल शांत रहता है, कंधे नहीं हिलते हैं। ये क्रिया कम से कम 20 बार अवश्य करनी चाहिए। किसी भी स्वाभाविक गति या बिंदु पर अविचल सूक्ष्म या स्थूल दृष्टि गड़ा देने या नेत्र को उसमें स्थिर करके एक तक देखने को त्राटक कहते हैं। त्राटक से नेत्र के सभी दोष दूर हो जाते हैं। चंचल मन को एकाग्रता मिलती है, जिससे स्मरण शक्ति और विकसित होती है। त्राटक क्रिया करने के लिए पद्मासन लगाते हैं, योग मुद्रा स्थापित करते हैं तथा दृष्टि के समानांतर 5 फीट की दूरी पर एक घी का जलता हुआ दीपक रखते हैं। अब अपने शरीर को स्थिर रखते हुए मन को एकाग्र करते हैं तथा दृष्टि को दीपक की लौ पर केंद्रित करते हैं, तथा तब तक स्थिर रखते हैं जब तक आंखों में अश्रु ना आ जाएं। अश्रु आने पर पलकों को धीरे से बंद कर लेते हैं। दोनों हथेलियों को रगड़कर गर्म करते हैं। आंखों की सिकाई करते हैं। अब साफ कपड़े से आंखों में आए अश्रु को साफ कर देते हैं। ध्यान रहे, क्रिया करते समय मन एकाग्र होना चाहिए तथा पलकें बिल्कुल नहीं झपकनी चाहिए और वातावरण शांत होना चाहिए। इन शोधन क्रियाओं को करने से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। अनुकूल विचार उत्पन्न होते हैं, जिससे मनोशारीरिक सक्रियता बढ़ती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से शरीर निरोग बना रहता है।